नितिन गडकरी को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है, जिससे नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें, भाजपा के इस संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। सर्वानंद सोनोवाल और बीएस येदुरप्पा भाजपा के इस बोर्ड में शामिल किए गए हैं। संसदीय बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का सबसे ताकतवर बोर्ड है, पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था है। पार्टी के तमाम बड़े फैसले इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं और इस बोर्ड से बाहर कर दिया गया है नितिन गडकरी को। ये इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला है। आपको बता दें, नितिन गडकरी ने बीते दिनों बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अब राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि उनका जी चाहता है कि वो राजनीति ही छोड़ दें। अब महात्मा गांधी वाली राजनीति देखने को नहीं मिलती है। नितिन गडकरी के इस तरह के बयान के बाद पार्टी के प्रति उनकी नाराजगी को लेकर भी कई तरह के दावे किए गए थे और इन दावों के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो संसदीय बोर्ड के सदस्यों की लिस्ट सार्वजनिक की है, उनमें से नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान को भी छुट्टी दे दी गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।